वो एक आदमी ने शादी की ना, तो जब कमरे में गया तो 3 दुपट्टे लटके हुए थे खूंटे पे, तो बीवी को रोब में लेने के लिए ना उसने ये दुपट्टे लटकाए हुए थे, खूंटे टोटल 4 थे और 3 खूंटों पे दुपट्टे लटके हुए थे। ये सियासत से काम लिया ना उसने, पहली रात है रोब में ले लूंगा। पूछा, बीवी ने पूछा ये पहला दुपट्टा कैसा है, उसने कहा भाई देखो मेरी पहले एक दफा शादी हो चुकी है, बीवी मर गई थी वो, तो उसकी याद में मैंने दुपट्टा लटका दिया यहाँ पे। उसने कहा ये दूसरा दुपट्टा, उसने कहा वो भी ऐसा ही हुआ था, दोबारा शादी हुई वो भी मर गई यार, तो मैंने याद में उसका दुपट्टा भी लटका दिया। उसने कहा ये तीसरा दुपट्टा क्या, फिर तीसरी शादी हुई तो वो भी मर गई, उसकी याद में भी मैंने दुपट्टा लटका दिया। औरत में कॉन्फिडेंस था, घबराने वाली नहीं थी। उसने कहा ये जो चौथा खूंटा है ना, यहाँ तेरा पजामा लटकेगा। वो एक इमाम साहब जो है ना तकरीर कर रहे थे, वो तकरीर कर रहे थे कि 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो नमाज नहीं पढ़ता अभी, तीसरा कहने लगते एक देहाती खड़ा हो जाता है कि भाई मेरा एक सवाल है उसका जवाब दें, वो कहते हैं बैठ जा बात तो मुकम्मल होने दे, उसको बिठा दिया। फिर कहते हैं भाई देखो हजरत 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, जो सूद खाता है, एक जो नमाज नहीं पढ़ता, तीसरा वो फिर खड़ा था हजरत मेरा एक मसला है। 2-3 जगह उसको बिठाया ना, फिर तकरीर शुरू की, 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, एक सूद नहीं खाता, एक नमाज नहीं पढ़ता, वो फिर खड़ा, वो कह रहे तीसरा ये जाएगा जहन्नम। कहते हैं कि एक फरिश्ता 3 आदमियों के पास गया, कहा कि तीनों मांगो जो चाहते हो जाएगा। अब इन 3 में से ना एक की 2 से दुश्मनी थी, हसद कितनी बुरी चीज है देखो। पहले ने कहा कि मुझे जो है ना फला मुल्क का बादशाह बना दो, फरिश्ते ने कहा चल भाई हो गया बादशाह बन गया। दूसरे ने कहा तू एक एक ख्वाहिश, दूसरे ने कहा मुझे दुनिया का करोड़पति अरबपति आदमी बना दो, हो गया भाई। तीसरे से कहा तेरी क्या ख्वाहिश है, उसने कहा उन दोनों को दोबारा पहली हालत पे ले आओ। उस सऊदी अरब में एक बांग्लादेशी को पकड़ लिया किसी ने, वो बेचारा गरीब आदमी, उसको इतनी अच्छी जेल मिली ना, वैसे सऊदी की जेलें सारी अच्छी नहीं है, लेकिन बाज दफा वो कोई ऐसा मुजरिम नहीं होता तो बड़ी प्रोटोकॉल मिल जाता है जेल में। तो बेचारा बांग्लादेश का था, वो उसको जेल में ले गए, इलीगल घूम रहा था वो ना, तो वो 6 महीने या साल जेल में रहा, उसको इतना मजा आया वहां पे, खाना पीना मिल रहा है, फिर जेल से जाते हुए उसको पैसे भी दिए ना, खर्चा भी। तो हमारे एक दोस्त ने बताया कि जैसे ही रिहाई का टाइम आया तो बादशाह को गालियां देने लगा वो। सऊदी अरब में बादशाह को गाली देना मामूली जुर्म नहीं। तो जेल का अमला हंसने लगा, उसने बोला तुझे दोबारा नहीं पकड़ेंगे, जा यहां से। एक साहब मुझे फोन करके कहते हैं, ये भी कॉल्स बहुत आती हैं कि हजरत वो मैंने एक जगह पैगाम भेजा है लेकिन वो लड़की मेरी समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपसे मशवरा लेना चाहता हूँ कि क्या करूं। मैंने कहा जब आपकी समझ में नहीं आ रही, जिसने देखा हुआ भी है तो मैं कैसे फैसला करके बताऊंगा भाई। कह रहे आप तो आलिम है, आप तो मौलवी है, तो मैंने कहा मौलवी को ये कैसे पता चल जाता है कि ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही।